हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट दो जाने ही निज देशम को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने इस पार्ट में कल पढ़ा कि कवि ने इस देश के भारत देश की संस्कृति के बारे में हमें बताया है, भारतीय वेशभूषा को अपनाने के लिए कहा है। अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। आगे है हिमगिरी मुकुटम गंगाहारम ऋषि मुनि सेवित स्वर्गदारम। कवि कह रहे हैं कि जो भारत भूमि है इसका हिमगिरी यानी हिमालय, मुकुटम यानी मुकुट के समान है। हिमालय पर्वत भारत भूमि के मुकुट के समान है। गंगा हारम और जो गंगा नदी है यह भारत भूमि के हार के समान है। कवि कह रहे हैं कि जो भारत भूमि है इसके लिए हिमालय मुकुट के समान और गंगा नदी इसके हार के समान है। इसके अलावा ऋषि मुनि सेवित स्वर्गदारम, ऋषि और मुनि इसके ऋषि मुनि के पैरों के द्वारा यहाँ पर स्वर्ग के जाने का रास्ता दिखाया जाता है, अर्थात ऋषि मुनियों के पैरों से पवित्र की गई यह भारत भूमि स्वर्ग को जाने का द्वार है। हिमगिरी मुकुटम गंगाहारम की हिमालय भारत भूमि के मुकुट के समान है। गंगाहारम गंगा नदी हार के समान है। ऋषि मुनि सेवित, ऋषि मुनियों के द्वारा सेवित यानी सेवा की गई यह भारत भूमि, ऋषि मुनियों के पैरों से सेवा की गई यह भारत भूमि स्वर्ग के द्वार के समान है। आगे कह रहे हैं अर्जय ज्ञानम भज विज्ञानम। अर्जय ज्ञानम, ज्ञान को अर्जित करो, अर्जय यानी अर्जित करो, ज्ञानम यानी ज्ञान को, ज्ञान को अर्जित करो, भज विज्ञानम विज्ञान को जानो। कभी कह रहे हैं अर्जय ज्ञानम, ज्ञान को अर्जित करो, भज विज्ञानम विज्ञान को जानो। दीन जनेभ्य अर्पय दानम, दीन जनेभ्य अर्थात जो लोग गरीब हैं असहाय हैं उन लोगों पर अर्पय दानम उनको दान दो, अर्पय यानी उनको दो, अर्पित करो, दान दो। कभी कह रहे हैं अर्जय ज्ञानम, ज्ञान दो, भज विज्ञानम विज्ञान को जानो, और जो लोग दीन गरीब हैं असहाय हैं उन लोगों पर उन लोगों को दान दो। निज राष्ट्रस्य कुरु उत्थानम, निज राष्ट्रस्य निज यानी अपने, राष्ट्रस्य यानी राष्ट्र का, उत्थानम यानी उत्थान उन्नति, कुरु यानी करो। लभसे यस्मात, यस्मात यानी जिससे, अर्थात जिस भारत भूमि से, जिस देश से, जिस राष्ट्र से तुम अन्नम पानम, अन्न पानी आदि सुख सुविधाएं लभसे यानी प्राप्त करते हो, उस राष्ट्र का तुम उत्थान करो। यस्मात यानी जिस राष्ट्र से, जिस देश से अन्नम पानम अन्न और आदि सुख सुविधाएं तुम लभसे यानी प्राप्त करते हो उस राष्ट्र का, उस देश का उत्थान करो। कि हिमालय भारत भूमि के मुकुट के समान है, गंगा नदी हार के समान है, ऋषि मुनियों के पैर यहाँ पर स्वर्ग की भूमि के लिए जाने के, स्वर्ग जाने के द्वार के समान है। ऋषि मुनियों की सेवा करना, ऋषि मुनियों के जो पैर हैं वो स्वर्ग जाने के द्वार के समान है। कभी कह रहे हैं कि ज्ञान को अर्जित करो और विज्ञान को जानो। दीन गरीबों की, दीन गरीबों के लिए दान दो, अपने राष्ट्र की उन्नति करो जिससे तुम्हें अन्न और धन आदि सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। एक बार पुनः पाठ का अनुवाद देखिए। हे नर हे मनुष्य, जानी ही तुम निज देशम, तुम अपने देश को जानो, नयन मनोहर निज परिवेशम, जो कि तुम्हारी जो भारत भूमि है ये देखने में बहुत ही सुंदर है और इसका वातावरण, परिवेशक वातावरण बहुत ही पवित्र है। यद्यपि विदेशे भिन्नम वेशम, कि विदेशों में अलग अलग वेशभूषाएं हैं, अलग अलग पहनावा है, फिर भी तुम तस्मिन माकुरु मुँह आवेशम, फिर भी तुम उस वेशभूषा के, उस पहनावे के मुँह में मत पड़ो, उसके मुँह को छोड़ दो। गौरवम अनुभवम भारत माता, भारत माता पर गौरव का अनुभव करो, क्योंकि ये भारत माता तुम्हारी जननी यानी माँ है। तुम जगतः त्राता, तुम ही संसार की रक्षा करने वाले हो। भव निर्मोह है, मोह को छोड़ दो, मोह को त्याग दो। भज परितोषम, परितोष संतुष्टि, कि संतुष्टि होना सीखो। अपि संसारम रचय विशोकम, और एक ऐसा संसार बनाओ जो कि शोक से, दुखों से रहित हो, जिस संसार में कोई भी दुख न हो ऐसा संसार बनाओ। निखिलम विश्वम तब परिवार, संपूर्ण विश्व तुम्हारे परिवार के समान है। पूरे संसार में एकमात्र भारत भूमि ही सार रूप में, अर्थात यह ज्ञान के गुरु, ज्ञान गुरु के रूप में है। हिमालय भारत के मुकुट के समान है, गंगा नदी हार के समान है, ऋषि मुनियों की सेवा, ऋषि मुनियों के पद चिन्ह स्वर्ग के द्वार के समान है,
अर्जय ज्ञानम, ज्ञान को अर्जित करो। भज विज्ञानम, विज्ञान को जानो। दीन जनेभ्य, गरीब लोगों को दान दो। निज राष्ट्रस्य कुरु उत्थानम, अपने राष्ट्र का उत्थान करो, जिससे तुम अन्न आदि सुख सुविधाएं प्राप्त करते हो। यह जो कविता गान है, यह श्री रामचंद्र द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। थैंक यू।